स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबी एडुकेशन पे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 9 का अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, जो कि आज मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए, बहुत ही आसान ये न्यूमेरिकल है, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, काफी आसान है, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, उसी स्टेप से मैं उस पर वर्क करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, मिस कह सकता है कि एक मैन है जो स्टार्ट करता है फ्रॉम अ पॉइंट एंड ट्रेवल अलोंग द रेक्टेंगुलर फील्ड। और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, जैसे कि आप मान सकते हो यहाँ पर, देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया। ठीक है, ये आपका कैसा फील्ड है? रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसका नाम दे दो ए, बी, सी और डी। ये फील्ड है जो कि कैसा है? रेक्टेंगुलर है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन, इसका कुछ डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेथ दिया होगा, राइट ना? रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेथ दिया होगा, तो यानी कि लेंथ दिया हो कितना? 500 मीटर दिया हो। ब्रेथ कितना दिया होगा? 300 मीटर। समझ में आ रहा? ये चीज तो आपको यहां तक तो समझ में आया कि 500 मीटर इंटू 300 मीटर डायमेंशन दिया हुआ। अब क्या करेंगे? व्हेन ही रीच द डायगोनली, जब ये क्या करेगा? रीच करेगा डायगोनली। ऐसे टोटल डिस्टेंस नहीं रीच करेगा, इन द सेंस कहने का था कि ए से बी तक रीच नहीं करेगा, बी से सी तक नहीं करेगा पहुंचने, मतलब सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए ए से बी और बी से सी नहीं कर रहा है, ये डायगोनली मूव कर रहा है। इन द सेंस ये क्या कर रहा है? डायरेक्टली यहां से क्या कर रहा है? यहां पर पहुंच जा रहा है। ठीक है, ये डायरेक्टली क्या कर रहा है? यहां से डायरेक्टली ए सी तक पहुंच जा रहा, ए से डायरेक्टली सी तक। तो देखिए, रेक्टेंगल का डायगोनल तो यही होता है, समझ में आ रहा? रेक्टेंगल का डायगोनल यही होता है, ए से डायरेक्टली सी तक पहुंच गया। और मैं पढ़ाया था कि अगर ये तो देखो, तो अगर डायगोनली मूव कर रहा है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया जा रहा। कैसा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया जा रहा किसी बॉडी के द्वारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहां पर देखिए, ए से सी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कैसे होगा? ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, तो लॉन्ग डिस्टेंस मीन टोटल डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो यहां पर सिंपल सा सोल्यूशन देखिएगा, यहां पर सोल्यूशन क्या कर सकते हैं ना, सिंपल सा ये कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? लिख देंगे जो गिवन है, पहले लिख देता हूं, ठीक है ना? गिवन में क्या क्या दिया हुआ? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ कितना दिया हुआ है? 500 मीटर दिया हुआ है। समझ में आया? 500 मीटर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, एक और देखो, ब्रेथ ऑफ मिस कह सकते हो वाइड, यहां पर देख सकते हो कि रेक्टेंगुलर फील्ड, और यहां पर वाइड कह सकते हो, वाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड वाइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया हुआ? 300 मीटर। वाइड इन द सेंस कहने का था ब्रेथ कह सकते हो, राइट ना? ब्रेथ दिया हुआ है। तो अब हमें अगर ये ऐसा कौन सा फॉर्मूला रेक्टेंगल का जो डायरेक्ट हम डायगोनल निकाल सकते हैं, जो कि डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाल सकता है, ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट आराम से ये निकाल सकते हो, लिखेंगे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है फॉर्मूला डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का? ओवर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का, मिस रेक्टेंगल का, ये डायगोनल का फॉर्मूला यही होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो सिंपल, अगर मैं लेंथ क्या हुआ, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ठीक है? तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये डायगोनल हो गया। सो सिंपल है, हमें तो निकालना है ये वाला साइड का निकालना है। तो सो सिंपल है, क्या करेंगे? ओवर रूट लेंथ कितना दिया हुआ है? 500, तो 500 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ब्रेथ कितना दिया हुआ? 300 का होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहां पर क्या कर सकते हो, 5 यानी कि 25 और ये 40 हो जाएगा, ठीक है ना? प्लस 9, ये आपका 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो 9 मीन्स 0 0 0 0, 9 और 4 यानी 14 हो जाएगा, और 1 34, ये आपका आ जाएगा, ठीक है? इतना आपको कैलकुलेशन के बाद आ गया। आप क्या कर सकते हो, 9, इसके बाद आपने रूट निकालना है, रूट 34 को क्या होगा? 583.096 मीटर आएगा, राइट ना? 583.0
0.96 आएगा, 583.096 मीटर आएगा। ये क्या आया समझिएगा, ये आया आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट आया आपका ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड का ये क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट, कितना 583.096 मीटर, राइट। अब यहां पर बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट तो हमें गेन हो गया, अब हमें निकालना है क्या डिस्टेंस निकालना है, इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए मैं डिस्टेंस निकालता हूं, ठीक है ना, तो डिस्टेंस यहां पर मैं निकाल देता हूं, ठीक है। तो अगेन चलेंगे, अगेन डिस्टेंस, तो यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी करेंगे, तो ए बी क्या दिया हुआ है 500 मीटर प्लस 300 मीटर, इन द सेंस कह सकते हो 5 और 3 8, यानी कि क्या कह सकते हो 800 मीटर आ गया आंसर, ये आपका क्या हो गया डिस्टेंस निकल गया, कोई डाउट्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो यानी कि कहने का अर्थात क्या हो गया कि कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आसानी तरीके से कोई भी क्वेश्चन को आसान तरीके से बना पाओगे, कब जब कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा, तो समझ में आया ना। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।